हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे दितिमन। राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय से शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आना स्टार्ट हो गए हैं। बीकानेर में भी वैकेंसी जो है वो आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अलवर और दौसा की वैकेंसी मैंने आप लोगों को बता दी। आगे जो है वो बिल्कुल वैकेंसी जो है बहुत सारे जिलों की जो है वो आ गई है। सभी मैं जो है वो कवर करूंगी। यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जितनी भी वैकेंसी आई है फॉर्म जो है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे जो है वो आप लोगों को फिल करना है। कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू आप लोगों का नहीं होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कल के वीडियो में अलवर की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट का जो है कहना है कि हमें फॉर्म नहीं मिल रहा है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सारी चीजें जो है वो समान रहेंगी, चाहे किसी भी जिले से जो है वो भरना चाहें। और मेरा जो है वो कहना है कि आप लोग अपने ही जिले की जो वैकेंसी है वहीं के लिए आवेदन करें तो ज्यादा सही रहेगा। हर स्टूडेंट को अपने जिले में मौका मिले। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को महाविद्यालय की वैकेंसी के लिए जो है यहाँ आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो बिल्कुल होनी ही चाहिए। 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में निम्नांकित विषय में अध्यापन कार्य कराने के लिए दिनांक 24/8/2023, तो ये अलवर की वैकेंसी है, 24/8/2023 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। हर वैकेंसी की जो विज्ञप्ति है उसमें जो है महाविद्यालय की वेबसाइट का लिंक बिल्कुल दिया होगा। यहाँ पर दिया है HTE.Rajasthan.Government.in /college/GDC अलवर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दो महाविद्यालय हैं, एक तो राजकीय महाविद्यालय कठुमर का है और दूसरा खेरलीगंज अलवर का है, जो कि राजकीय कन्या महाविद्यालय है। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो आप देख लें आपका सब्जेक्ट इसमें से है या नहीं है। यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है तो आप लोग जो है वो बिल्कुल एप्लीकेशन करें। तो इसकी मेन वेबसाइट पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बीकानेर की जो मेन वेबसाइट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाऊंगी और यहाँ अलवर वाला जो है वो आप देख लें। दोनों ही अलवर वाले में दोनों ही जो कॉलेज हैं उसके लिए यही जो है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा और लिंक मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज गोविंदगढ़ अलवर नीचे आपको आना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक तो है एप्लीकेशन फॉर्म विद्या संबल योजना, दूसरा है विज्ञप्ति विद्या संबल योजना। अब विज्ञप्ति जो है अभी सभी जिलों की न्यूज़पेपर में आ रही है, उसके बाद जो है यहाँ मेन वेबसाइट पर जो है वो कंप्लीट देखने को मिलेगी। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट ओपन हो रहा है जिसको आप डाउनलोड करके फिल कर लें और समय से पहले जो है स्कूल में जमा करवा दें। तो चलिए इसको मैं ओपन कर देती हूँ। कैसे फिल करना है मैं आपको बताऊंगी। विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप, तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, अपना पूरा नाम लिख देंगे। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो उस पद का नाम लिखें, और अगर आप फ्रेशर हैं तो जो है इसको छोड़ दें। पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर और कहाँ आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप लिखें। मेल आईडी आपको लिखना है, आपकी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है वो आप लगा लें। यहाँ पर आप लोग महाविद्यालय में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता जो है आप लोगों के पास स्नातकोत्तर की तो होनी ही चाहिए। अगर आपने एम फिल, PhD, GRF सहित नेट, स्लेट या सेट किया है तो आप जो है यहाँ पर फिल करें, क्योंकि यहाँ जितने अधिक जो है वो मार्क्स होंगे स्टूडेंट के तो उनका सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। अभी स्कूलों में जब वैकेंसी आएगी तो वहां ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस रीट के स्टूडेंट वहां एप्लीकेशन कर पाएंगे। यदि आपने यहाँ स्नातकोत्तर की उपाधि जो है वो ली है और एमफिल, पीएचडी वगैरह किया है तो भी आप यहाँ पर फिल करें। और अगर आपने नहीं किया है, केवल जो है वो आपने एमए किया है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, तो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप लोगों को सारी चीजें फिल कर लेनी है। अंक तालिकाओं की जो है प्रति और प्रमाण पत्र जो है इस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो है वो आप लोग लगा लें। ठीक है, आपने जो है वो GRF, नेट, स्लेट ये आपने नहीं किया है तो ये कॉलम को जो है वो आप छोड़ दें, यहाँ पर जो है वो अपने साइन कर दें। अभी जो है वो एड्रेस जो है वो क्या रहेगा तो एड्रेस मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं राजकीय महाविद्यालय कठुमर अलवर, तो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो है वो बिल्कुल लिखें किस पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में। ठीक है, राजकीय महाविद्यालय कठुमर अलवर। और एप्लीकेशन फॉर्मेट भी जो है मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी साइट पर आप लोगों को जाना है अगर अलवर के कॉलेज के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। दूसरा मैं आप लोगों को बीकानेर का दिखा देती हूँ कि बीकानेर के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये जो है राजकीय महाविद्यालय गंगा शहर बीकानेर का आवेदन पत्र है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो चीज़ें वही रहती हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ। उसके बाद घोषणा पत्र भी जो है यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अलवर के एप्लीकेशन फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग है, इन्होंने लिखा है कि ये आवेदन पत्र सिर्फ केवल राजकीय महाविद्यालय गंगासर बीकानेर हेतु ही भरा जाएगा। ठीक है, तो इसे अलवर के इस कॉलेज के लिए आप लोग फिल नहीं कर सकते, यानी कि विज्ञप्ति के नीचे
जो महाविद्यालय का लिंक दिया है वहीं पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करें, ठीक है। आगे जितनी भी और भी वैकेंसी जिस जिलों की जारी हो रही हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।